What's up guys, this is Rohit Khitri and I'm back with another video. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ साथ उस घंटे को जरूर दबाएं। उसका फायदा ये होगा जब मैं अपनी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सोते वक्त अपना फैट लॉस कर सकते हो? हाँ, ये पॉसिबल है। आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा, अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो आप सोते वक्त भी अपना फैट लॉस कर पाओगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि जब आप सिर्फ जगते हो, आपकी बस आंख खुली रहती है, उस वक्त आप सोने से ज्यादा फैट लॉस करते हो। क्यों? क्योंकि इस वक्त जैसे मैं हिल रहा हूं, अपनी हाथों को हिला रहा हूं, तो इस वक्त मैं सोने से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा हूं। तो मैं आपके दिमाग से निकाल देता हूं कि अगर आप सोचो कि आप सिर्फ सोने से अपना फैट लॉस कर पाओगे, बट पूरे हफ्ते में हम कम से कम 50 घंटे सोते हैं, 45 से 50 घंटे सोते हैं। मैं चाहता हूं कि हर घंटा काउंट हो, हर घंटा आपके फैट लॉस प्रोसेस में काम आए। तो कुछ लोगों पर फैट लॉस करते वक्त रिसर्च की गई थी। उस रिसर्च में था क्या, एक था ग्रुप ए, एक था ग्रुप बी, दोनों ग्रुप को फैट लॉस करना था। जो ग्रुप ए था वो सिर्फ 4 से 5 घंटे सोया था और जो ग्रुप बी था वो 6 से 8 घंटे सोया था। 15 दिन बाद रिसर्चर्स ने क्या फाइंड किया, दोनों ग्रुप ने सेम अमाउंट ऑफ फैट लॉस किया है, बट जो ग्रुप 4 से 5 घंटे सोया था उन्होंने फैट लॉस के साथ साथ अपनी मसल को भी लॉस किया है, और जो ग्रुप बी था उसने फैट लॉस के साथ साथ मसल को लॉस नहीं किया क्योंकि उसने 6 से 8 घंटे की स्लीप ली थी और ग्रुप ए ने 4 से 5 घंटे की स्लीप ली थी। तो ग्रुप ए ने फैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस क्यों की, उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में उतने हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे जितने होने चाहिए। उसका रीजन होगा कि आप फैट लॉस के साथ साथ अपनी मसल लॉस भी कर देते हो। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि आप अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आप अपने जिम में वर्कआउट करते वक्त अपना ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं दे पाओगे, आपका फोकस नहीं रहेगा, आपको नींद आती रहेगी। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप सोते हो, एक रेस्ट पीरियड पे होते हो, तो आपकी जो मसल को है वो रिकवरी में ज्यादा टाइम मिलता है, तो वो अच्छे से रिकवर हो पाती है। तो ये 3 सबसे बड़े रीजन है कि आपको अच्छे से स्लीप लेनी चाहिए। इसका अपोजिट है बिल्कुल, अगर आप अच्छे से स्लीप लोगे तो हार्मोन प्रोडक्शन अच्छे से होगी, आपकी मसल को रिकवरी अच्छी होगी, तीसरा आप अपने जिम में अपने वर्कआउट करते वक्त अपना ऑप्टिमम फोकस कर पाओगे, अपना अच्छे से रिजल्ट दे पाओगे। तो ये है 3 रीजन जो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं आपकी स्लीप पे, आपके फैट लॉस प्रोसेस पे। ये नहीं है कि आप सोओगे अच्छे से, आपने स्लीप ले ली तो आपका फैट लॉस हो जाएगा, नहीं, ये इनडायरेक्ट फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप स्लीप नहीं लोगे तो आपका फैट लॉस प्रोसेस बिल्कुल खराब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को बताऊं कि सोने से पहले आपको कौन सी मील लेनी चाहिए, आप क्या क्या खाना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट आपको जरूरी है, क्या नहीं खाना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमको पूरी मील चाहिए, न्यूट्रिशन फैक्टर चाहिए, कि हमको क्या क्या सोने से पहले खाना जरूरी है फैट लॉस के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। तो अगर चाहते हो तो मैं 2-3 वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सोने से आप अपना फैट लॉस कैसे कर सकते हो। और मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप 6 से 8 घंटे की स्लीप ले। आई नो आजकल लोगों का बहुत बिजी शेड्यूल है, तो कम से कम 6 घंटे की स्लीप ले अगर आपको एक फैट लॉस प्रोसेस को पूरे मैक्सिमम लेवल तक ले जाना है। तो ये थे वो फैक्टर, हार्मोन प्रोडक्शन, रेस्ट पीरियड, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे, तो आपकी स्लीप इनडायरेक्टली मैटर करती है आपके मसल बिल्डिंग गोल पे, फैट लॉस गोल पे। तो ये थी वो कुछ टिप्स जो आपके फैट लॉस प्रोसेस में बहुत ही काम आने वाली है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको 6 से 8 घंटा सोना क्यों जरूरी है अगर आपको फैट लॉस करना है, मसल बिल्ड करनी है। आपको नॉर्मली भी 6 से 8 घंटा बहुत जरूरी है सोना, अगर आप प्रॉपर से स्लीप नहीं लोगे तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। तो बस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको प्रॉपर स्लीप लेना क्यों जरूरी है और आप सोते वक्त अपना फैट लॉस कैसे कर सकते हो और मसल को लॉस कैसे नहीं होने देना चाहते। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल कलर का बटन है साइड में और इसे तोड़ दें, सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सेम अकाउंट है रोहित कुदरी फिटनेस के नाम से, वहां मैं अपनी डेली अपडेट डालता हूं। तो जिसको मेरे से डेली अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, सेम अकाउंट है रोहित कुदरी फिटनेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मिलते हैं कल या परसों, टिल देन नॉट पीस किड्स।
मैं अभी फैट लॉस प्रोसेस पे हूँ। मेरा 80 केजी वेट था जब मैंने फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट किया था और अब मेरा 74 केजी वेट है। एक महीने में 6.5 किलो या 7 किलो मेरा कम हो चुका है और एब्स भी मेरे क्लियर हो गए हैं। नेचुरल प्रोसेस। पीस।